हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल, अपना आशियाना। तो गाइस, यहाँ पर शिराज़ के रिसेप्शन को मैंने जहाँ से मतलब एंड लिया था, मैंने वहीं से स्टार्ट लिया है अपना। तो यहाँ पर हो रही थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल भी शूट नहीं करी थी। ये मुझे नगमा ने, मैंने क्लिप मांगे हैं नगमा से, तो नगमा ने दिया था। मैंने वलीमे का ऐसे ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं करा था। हाँ, आगे अब आप लोग देखा, हमने लोगों ने रील्स बहुत बनाई थी। पीना हो चुका है और अब हम यहाँ पर ओपन एयर में बैठे हुए हैं और कुर्सी के अंदर मैं टेक लगाने की कोशिश करूँ क्योंकि कुर्सी बहुत लंबी है। यहाँ पे बैठे हुए प्रवेश भैया, बताऊँ मैं यहाँ पर इनकी चल रही है बिजनेस की बातें। पापा ने कई बार कहा है तेरे पास कारीगर कौन सा जो काम करे। तो ये देखिए सोनी बाजी आज बिल्कुल ही दिल्ली छेकी मिल रही है, बड़ी गजब लग रही है ये। ओ सोनी की और मेरी स्लीपर सेम सेम बेन बेन है ना, बेन बेन। अरे बहन, तूने जुराब क्यों नहीं पहनी? हम पहनती हैं। ओह, मैं बिना जुराब के रहती नहीं। ये है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अपनी रज्जो को तो लेकर आइए जरा साथ में। जो मैडम, ये है हमारी भाव भी जान देहरादून की। आइए आप अपने 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 पार्टनर के साथ आइए, बीच में कबाब में हड्डी ना बनिए। इधर आइए आप। हाँ, अब जच रहे हैं ना दोनों की दोनों। ये हमारे बहन बहनों ही हैं। ये मेरे फेवरेट वाले जीजा एक नहीं नासिर भाई। हाँ नहीं नहीं, मैं आसिफ जी से कोई बोल ये बोलती हूँ कि सारे दमादों में मुझे नासिर भाई बहुत सही लगते हैं। उनसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम्फर्ट नहीं कम्फर्ट रहता है। वही चीज़ बेस्ट। जामा से बड़ा प्यारा लग रहा है आपका सूट, और आप खुद भी बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह। कल आपने डेकोरेशन भी बहुत अच्छी करी थी। मैं अंदर बैठी हुई थी बेटा जब से। आओ किन्नू, आप कहाँ हैं? गजब गजब लग रही हैं आप, बड़ी सुंदर लग रही हैं गाउन में, बहुत प्यारी। मेरी इधर आओ किन्नू, वाह बहुत खूबसूरत। आओ आओ, कहाँ हैं ये परियां आज सारी की सारी? वाह भाई साहब, ये हमारे बच्चे हैं आज इतने बड़े बड़े हो गए। आओ आओ आओ, ये फैजी है ना, कल ही दूसरा था ब्राउन कलर की जैकेट में, आज ही दूसरा है ना। चलो जी, बहुत खूबसूरत लगती हुई आप दोनों परी। अच्छा हाँ, आप ही की ले रही हूँ, आ जाइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा जी, बोलिए। अच्छा लग रहा है, बोलते रहिए। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। फ्लैग बनाया है बिल्कुल। देखा देखा देखा, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, ये तीनों। चलिए, और ये हमारे जीजा जी हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स के पति हैं। ये भी स्टूडेंट के पति हैं। चलिए चलिए, आ जाइए। आओ ना, तू आओ जल्दी। पापा बाहर निकल गए टॉप गियर की गाड़ी में। टॉप गियर की गाड़ी में पापा तेजी में चले जाते हैं। तो गाइस, बस अब वलीमा ख़त्म हो चुका है, हम लोग तो जा रहे हैं आज क्योंकि थक बहुत गए हैं। हैं, घर जा रहे हैं अपने अपने क्योंकि बहुत थक गए हैं। ठंड भी हो रही है। हाँ जी जी, ठंड तो बेहिसाब हो रही है। राबिया, हम आपकी शादी जो है फरवरी में या दिसंबर में करेंगे, जनवरी में बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत ठंड हो जाती है जराबिया। जनवरी में तो बहुत ठंड होती है। जनवरी में भी होना चाहिए, 28 और 26 जनवरी के बाद हो। ठीक है, मैं बात करती हूँ, बहुत बात। ठीक है ठीक है ठीक है।
गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घर पे और मेरी हालत जो है ना फिर से ख़राब हो गई है। मेरा ना तबीयत ठीक नहीं है और कुछ भी खाने का ना ऐसे मन ही नहीं करा। मैंने दो बार प्लेट बनवाई भी अपनी बट खाना बिल्कुल भी नहीं खाया गया मेरे से। अल्लाह जाने क्या हो गया क्या नहीं हुआ, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि हुआ क्या है मेरे को, कि खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी चीज़ खाने का मन नहीं हो रहा। और लाइनर और काजल भी फैल गया देखो, पूरी शादी में हमने ऐसे ही अटेंड करी। खैर तो घर आ चुकी हूँ और अभी आज जो प्रोग्राम है वो ये है कि अनु और बुलबुल जो है वो कल चली जाएंगी, तो उन लोगों ने कहा है कि आप ही आज हम ज़रा रात जो है जाग के काटेंगे। आपको एक चीज़ बताऊँ, पार्टी में ना सारे के सारे लोग मम्मा को देख रहे थे क्योंकि वो इतनी अच्छी लग रही थी ना। हाँ मुझे पता भी नहीं, मैंने आज पूरा टाइम जो है ना परवेश भाई और निधा भाभी के साथ में ही स्पेंड किया। हेलो पापा भी आ गए, तो बस ये हमारे पति भी आ गए। और जो ये कोट था जो है वो अभी जस्ट हम लेकर आए थे, आसिफ जी ने मुझे दिलाया था, उनको बहुत पसंद आया था तो उन्होंने कहा कि अच्छा खालू जी, मैं कह रही पापा जी। ओहो खालू जी क्या, भाई हमारा गुड़ आ गया। नहीं हमारे पति को और हमारे बच्चों को गुड़ बहुत पसंद है। और देखिए सास से आया है हमारे लिए इतना सारा गुड़ चिज्जू, थैंक यू खालू जी। तो यहाँ पर ये गुड़ आया है 5 किलो। तो अभी गुड्डू लेकर आए, गुड़ गाड़ी में से निकाला है, इनायत को बहुत पसंद है। निकल जा रही थी पर मेरा गुड़ नहीं आया था। अभी हैप्पी? अब खा के दिखाऊंगी आपको। इसको बहुत पसंद है, इसके पापा को बहुत पसंद है, ये लोग ना खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाते हैं। अच्छा आसिफ जी यहाँ से लेकर आते बट वो अच्छा नहीं होता था, तो मैंने गुड़ के साथ रोटी भी खाता है। हाँ तो मैंने अभी ऐसा कुछ खाना नहीं खाया लेकिन हाँ मैंने चटनी बनाई थी, तो मैं अब उसके साथ ना एक रोटी घी लगा के वो खाऊंगी क्योंकि और चीज़ों में ना मेरा जी नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए नॉन वेज खाते खाते, वेज भी था बट वो ये वेज मुझे इतना ज़्यादा ना पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो बस आप लोग बता देना मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, और धीरे धीरे आवाज़ जो है ना वो जाती जा रही है और आवाज़ ख़राब होती जा रही है। ये कहीं मेरी बैंगल्स, मैंने फुल लुक जो है ना कोशिश तो बहुत करी बट बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया है। और ठंड, इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड, मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इतनी ठंड में शादी ना करें। भाई साहब दूल्हा दुल्हन के सोचो, बेचारों को तो पनीर में बैठना था और उनके पास ना पता है आग वाग भी नहीं चला रखी थी, जबकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जब कूलर चलते हैं गर्मियों में तो ठंड में दूल्हा दुल्हन और थोड़ी थोड़ी देर पे ना आग वगैरह कुछ ऐसा करके रख देना चाहिए ताकि पब्लिक को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो बस गला ना खुल नहीं रहा, मैं पीती हूँ गर्म पानी थोड़ा सा क्योंकि गला पता नहीं कैसा होता जा रहा है, आवाज़ जाती जा रही है। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ बहुत ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, हर चीज़ को देख के हर लोगों को देख के माशाल्लाह बोलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।